द्वार से मेरे सहयोगी महिलाओं से लगातार बातचीत कर रहे थे। देखिए महिलाएं भले ही विकास हुआ हो या ना हुआ हो या फिर सत्ता कोई सी भी आए, कोई सी भी पार्टी सत्ता पर काबिज हो, लेकिन एक चीज इन तस्वीरों से ये साफ होती है कि महिलाएं अपने अधिकार को पहचानने लगी हैं। उन्हें पता है कि उनके अधिकार क्या है, उन्हें क्या करना है और कौन सी पार्टी को जिताना है, कौन सी पार्टी को नहीं जिताना है। उन्हें अब चीजें समझ में आती है कि सिर्फ बड़बोलेपन से या बोलने से अब काम नहीं चलने वाला, अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, चाहे वो महिलाओं के लिए करिए या युवाओं के लिए करिए या पुरुषों के लिए करिए। बिल्कुल काजोल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही और उत्तराखंड के संदर्भ में माना भी यह जाता है, क्योंकि जो उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ा गया था, जो आंदोलन हुआ था, उसमें मातृशक्ति ने ही उस आंदोलन को नेतृत्व किया था। चाहे वो खटीमा गोलीकांड हो, मसूरी गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा कांड हो और चिपको आंदोलन एक नजीर है। कई उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं ने जो है अपने हक के लिए लड़ाई को लड़ा और वो कहती है कि धर्म नहीं ईमान चाहिए, 100% मतदान चाहिए। अब देखिए अभी कमेंट आया लाइव में कि धर्म नहीं ईमान चाहिए, 100% मतदान चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो ये महिलाओं की सोच और नजरिया ही है कि उत्तराखंड आज देश के मानचित्र पर दिखाई देता है। तो ये मातृशक्ति की लड़ाई थी, वो लड़ाई जिसका नेतृत्व उसने खुद किया और यहां पर माना जाता है कि शराबबंदी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी भी वो लड़ाई महिलाएं लड़ रही हैं और पहाड़ों पर उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। तो मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी की तरफ रुख करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर जो आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है वो महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने जिनका जिक्र किया उनकी संख्या जो है वो लगभग 40 लाख के आसपास है। महिलाओं की वोटरों की संख्या जो है वो 40 लाख के आसपास है और ऐसे में 40 लाख वोटर, क्योंकि 82 लाख वोटर्स में से 40 लाख वोटर अगर महिलाएं हैं तो समझिए कि आखिरकार सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में ही है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि सभी राजनीतिक दलों ने वचन पत्र, दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट जो भी बनाया वो महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया और महिलाओं को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतारने का दावा किया कि सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के हक में ये करेंगे, महिलाओं के हक में हम वो करेंगे। लेकिन मैं सीधा रुख करूंगा एक बार फिर से अपने सहयोगी पुष्कर के पास। पुष्कर, आप बता रहे थे कि बद्रीनाथ का मिजाज जो है वो वोटर बता रहे हैं कि इस बार जो है बंपर वोटिंग होने वाली है, लेकिन फिर भी कौन कौन सी हॉट सीटें हैं, जरा एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तिलक, जनपद चमोली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ पे जो है राजनीति, किसको हम कह सकते हैं कि राजनीति की स्टंट जो है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि गैरसैंण को जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो उत्तराखंड को जब अलग किया गया था तो गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो ख्वाहिश थी या वो हम अभी तक लड़ी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से जो, चाहे वो कर्नाटक विधानसभा की अगर बात करूं मैं, यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। थराली विधानसभा की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। हाँ, हालांकि कर्नाटक विधानसभा की अगर तिलक में बात करूं तो यहाँ पे जो भाजपा के बागी नेता हैं टीका प्रसाद मैखरी ने सीट को जो है त्रिकोणीय बना दिया है। तो आप समझिए कि जो लोग 30-35 साल से जो लोग जनता के बीच जा रहे हैं या जनता के बीच रह रहे हैं, उन लोगों को यदि कोई पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, टिकट न दे तो हो सकती है कि इस सीट पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। और कर्नाटक विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि यहाँ पे जो है जो हमारी गैरसैंण को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे बनाया गया, ये भी इसी विधानसभा में बिलोंग करती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। बाकी थराली विधानसभा की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे केवल जो है भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। और उसके बाद जो है मैं बद्रीनाथ विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे यदि कोई कैंडिडेट जीतता है बद्रीनाथ विधानसभा में, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस को, तो 2-2.5 हजार वोटों का जो अंतर रहेगा ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है तिलक अभी तक।